गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग, और सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो पूरी तैयारियां भाई जोरों शोरों से हो रही हैं। अभी मम्मी बह रही हैं, जो ये देखो फुल मेहनत वाली काम चल रहा है। एंड माता रानी अपनी तैयार हो चुकी हैं, एंड हवन की भी तैयारियां चल ही रही है साथ ही साथ, तो सब काम चल रहा है साथ साथ हमें फुल फोकस। मम्मी कह रही मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगी बेटा। और यहाँ नेते भाई हमारे पूजा के बर्तन लाते हुए, अभी पूजा होगी सब। एंड हमारे नैतिक भाई ने 15 दिन का व्रत रखा है। चलो बस पूजा की तैयारी है, मतलब वो भी हो गई, बस बस हवन की तैयारी, बस हवन की तैयारी है। माता श्री एक्साइटेड हैं आप? उल्टी लाइट पड़ आप उल्टी बैठी वो हुई हो, यहाँ बैठो आके। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? हाँ जी बहुत। हाँ, क्योंकि यही दिन होते हैं जो पूरी साल में अच्छे और एकदम बेहतरीन दिन होते हैं। वो तो अच्छा था कि हमने कल तैयारी कर दी थी सारी, तब भी हमें 3-4 घंटे लग गए। हाँ, तैयार करते करते तब भी पूजा का नंबर अब आया है। ठीक है, सही बात है। 2-3 घंटे हो गए लगातार। अब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हवन, और पूजा पाठ करने के बाद एक बार और जो आपका डांस था ना, वो गजब का था। ओह भाई, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि वाला डांस करो। ये कैसे डांस कर रहे हो तुम लोग? भाई हमारी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है, देखो मैंने ही रेडी किया है सबको। ये देखो ठाकुर जी महाराज, वो छोटी वाली माता रानी। बोलो सच्चे दरबार की जय। चलो कपूर का लिया नहीं, वो छोटी वाली कटोरी कहाँ? कपूर भाई बाहर है, दीपक जला तो मंदिर हमारा ये पूरा का पूरा एकदम लॉबी में ना रौनक रौनक हो गई है। बस ये 9 दिन ही होते हैं जब लॉबी में रौनक होती है, बाकी तो हम लॉबी में बैठते भी नहीं ज्यादा। अभी हम बैठ जाते हैं, हमारा जब मन करेगा तब बैठ जाएंगे, अभी 9 दिन तक है ना मम्मी। जैसी ब्लॉग ऑन करती हूँ वैसी सबकी बोलती बंद हो जाती है, डरते हैं सब मुझसे। कुछ बोलते नहीं, पूरे टाइम चपड़ चपड़ करते रहेंगे, बट जैसी ब्लॉग ऑन करती हूँ ना किसी का बोल, घर की महारानी। ओ भाई इतना तुम मानते कहाँ जितना बोलते हो, नीच आदमी। मम्मी ये अपने छोटे लड़के को सुधार लो, गलत जा रहा है ये। मेरा छोटा लड़का बिल्कुल गलत नहीं। मम्मी देख लो क्या कह रहा है,
देख बेटा पता चल गया लड़का लड़का होता है। भाई मैं तो एक बार अपना वो प्यारा सा फेस दिखा देना एक बार, वो भाई बहुत डरावना था। चलो पूजा करते हैं। चलो ठीक है, आरती कौन करो। कौन सी वाली? अम्बे भाई। जैसा कि मैं आपको एक बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने सोचा था कि मैं 9 दिन का व्रत रखूंगी। अब अंजलि 15 दिन। अरे बोल लेता तो मतलब घर वाले पीछे से नमक मिर्च डालने के लिए बैठे ही रहते। मतलब मैंने सोचा था कि मैं 9 दिन का फास्ट रखूंगी, बट वो नहीं रख पाई बिकॉज ऑफ माई चटोरापन। मतलब मुझे इतनी भूख लगती है। पहली बात तो मुझे 2-2 मिनट पे भूख लगती है। अगर मैं व्रत ना भी हूँ ना तो भी मैं कुछ नहीं तो पानी पीती रहूंगी। अगर मुझे भूख लगती रहेगी तो कुछ ना कुछ जो मिलेगा वो खाती रहूंगी। कुछ ना कुछ घर में जो होगा, जो मेरी पसंद की चीज होगी वही बस मेरे हाथ में आई और मेरे कमरे में गई। तो कमरे में से तो सीधे अंदर। तो फिर ना ऐसा हुआ था, मैंने सोचा था मैं रखूंगी। पापा ने पहले से ही बोल दिया था कि तुम नहीं रख पाओगी, तुम दोपहर तक ही रख पाओगी, बस उससे ज्यादा नहीं रख पाओगी। पापा ने मम्मी से बोली थी ये बात, मुझसे नहीं बोली थी। ठीक है, पापा ने बोला कौन कौन व्रत है, हमकी 3 व्रत है। हम बोला बड़ा बेटा भी व्रत है, मैंने यहाँ बड़ा बेटा भी व्रत है। उन्होंने बोला बड़ा बेटा तो सिर्फ दोपहर तक है, दोपहर को खाना खाएगा देख लेगा। पापा को ना मतलब पता है कि उनकी औलाद नहीं रख पाई, क्योंकि उनकी औलाद बहुत नंबर, एक नंबर की भुक्कड़ है। तो इसलिए मैंने नहीं रख पाया, मेरा उसी दिन उसी के उसी दिन टूट गया। और ये जो मेरा भाई है ना, एक नंबर का कुत्ता, ये इतना नीच जलील इंसान है, उल्टा कर दिया। मतलब मैं जब मेरा फास्ट टूट रहा था ना, मतलब 3 बजे के बाद, ये बदतमीज उसकी क्लिप्स बना रहा था, वीडियो बना रहा था ये प्रूफ के तौर पे। अरे मैं नहीं रख पा रही तो क्या, नहीं रखना मुझे। जब बस में ना हो तो ऐसा चैलेंज लेने चाहिए। बस में ना हो तो कार में तो होगा। हाँ अपन तो कार वाले हैं, बस वाले नहीं है। छोटे भाइयों को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें भी ताकत है। नहीं बस में नहीं है तेरी तो कार में है। तूने ज्यादा मुंह मत फाड़ वरना बता रही हूँ फिर मैं। ठीक है, बदतमीजी मत किया कर मुझसे, बदतमीजी पे आ जाता है गाइस। छोटे भाई बहन को देख के, इनको देख के हम सीखेंगे, ये नहीं सीखना हमें, हम भूखे रहना ही नहीं चाहते। सीखने के लिए तो बच्चे पे भी सीखते हैं, सीखने के लिए नहीं कह सकते कभी। चलो ठीक है, वो बात सही है। हाँ। बट ये बात गलत है कि तुम्हारी चीटिंग करके हम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी चीटिंग करके कर रहे थे तो फिर हमने तोड़ के। अच्छा वाह, पहले आपने ये बोला था मैं कोई व्रत नहीं रहना, कोई व्रत नहीं रहना। फिर राजा रहा तो तुमने बोला राजा रह सकता है, मैं नहीं रह सकती राजा, मैं राजा को रखने दे रही है, मुझसे मना कर रही है, मैं भी रहूंगी रह ले। और जैसे ही रही भाई दोपहर तक ही सीट पर बैठ पाई, दोपहर के बाद सीट से उतर गई। अब पता चल गया सिर्फ पापा ही है मेरे। तो पापा ने पहले से, पापा ने तो पहले से ही बोल दिया, नहीं उन्होंने बोल भले ही दिया होगा बट उन्होंने इतनी मेरी बेइज्जती की। ना ना पापा ने पहले से ही बेइज्जती कर दी थी कि अंजलि तो 20 तक दोपहर तक ही रखेगी व्रत बस। नहीं मुझे तो आपका पता चल गया, ज्यादा दिन नहीं बचे हो, आने वाले हैं मेरे पापा। पावरफुल होने वाली है इधर का, पावरफुल होने वाला है। कुछ कहेगा छोटे चूहे? चलो तो गाइस ब्लॉग एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चाचा। और जल्दी से ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक कमेंट सब कुछ करो जल्दी से भर भर के।